तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी हैं हम अपनी जानी पहचानी लोकेशन लक्ष्मण झूला पे फिलहाल हम हैं, और 5:28 का समय हो रहा है, और डेट भी आपको बता देता हूँ आज क्या है। 26 अगस्त की दोस्तों 5:28 का समय हो रहा है, और हम क्रॉस कर रहे हैं लक्ष्मण झूला। तो बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि जिस तरीके की हाईवे पे दिक्कत हुई है चारधाम यात्रा की, तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आप लोगों को एक बार जो मुख्य मार्ग है उनका एक अपडेट दे दें, जिसमें मेन है आपका ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग केदारनाथ जी तक का और बद्रीनाथ जी तक का। तो फिलहाल आज हम आपको जो अपडेट दे रहे हैं दोस्तों, वो दे रहे हैं ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का अपडेट, और ये भी बताएंगे कि गाड़ी कहाँ तक जाने दे रहे हैं और कहाँ से हेलीकॉप्टर सुविधा फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पैदल मार्ग तो केदारनाथ बाबा जी का कट चुका है, उस पर तो आ गई है भारी तबाही, और जिसको रिपेयर करने में लगभग मेरे हिसाब से 15-20 और लगेंगे उसको इस कंडीशन में लाने में कि पैदल यात्रा वहाँ से शुरू हो सके। और 1% अगर पैदल यात्रा मार्ग तैयार कर भी दिया तो सोनप्रयाग से गोरीकुंड तक का जो रास्ता है वो भी ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। तो यात्रा अगर शुरू भी होती है तो 5 आप और जोड़ लीजिए, सोनप्रयाग से पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। तो फिलहाल जो यात्रा चल रही है वो चल रही है हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर सुविधा अभी जो मेन है वो चल रही है गुप्तकाशी से। तो ये भी आज आपको हम इस वीडियो में अपडेट देंगे कि भैया क्या टिकट वगैरह है और कैसे कैसे मैनेज हो रहा है, या प्री बुकिंग करनी पड़ रही है हमें पहले से, या वहाँ जाके भी टिकट अवेलेबल है। तो हम ये भी आज आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल लक्ष्मण झूला हमने क्रॉस कर दिया है, और हम आपको पूरे पॉइंट्स दिखाएंगे जहाँ जहाँ हाईवे में दिक्कत है। तो लास्ट मंथ एक रिपोर्टर थे हमारे भाई, जिन्होंने गोरीकुंड और सोनप्रयाग का पूरा हाल दिखाया था, तो उन्होंने कमेंट किया था कि कहाँ गए वो यूट्यूबर जो हाईवेज़ की वीडियो दिखाते हैं। तो मैंने सोचा उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, जब हाईवे सही होते हैं तब भी तो हम आपको वीडियो दिखाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि भैया जब हाईवे रनिंग कंडीशन में दोबारा से तैयार होता है तो हम आपको एक अपडेट और दें, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं 1 नवंबर तक यात्रा चलनी है, और जबकि बद्रीनाथ जी तो काफ़ी लेट तक चलेगी, मिड तक भी चलेगी नवंबर के। तो ये हाईवे जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग तक सेम रहता है बद्रीनाथ जी का और केदारनाथ जी का, उसके बाद ही डाइवर्ट होता है। तो हमने सोचा पहले आपको केदारनाथ जी तक का दिखाएं, क्योंकि इस समय जो हेलीकॉप्टर से यात्रा हो रही है ना, बहुत ही अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। अगर मेरे किसी भाई का बजट हो तो वो जा सकते हैं यात्रा करने के लिए, क्योंकि अब मौसम भी खुल चुका है, इतनी बरसात नहीं हो रही है, बस हाईवे रिपेयर हो रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो है हाईवे। तो वही जानकारी आज हम आपको पूरी देंगे। तो ट्रैफिक तो आपको बताइए काफ़ी कम है, यहाँ से राइट नीलकंठ महादेव जी के लिए तो ट्रैफिक काफ़ी कम है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं स्थिति क्या चल रही है, यात्री है ही नहीं, और रोड कंडीशन आप देख सकते हैं, ये करंट रोड कंडीशन है फिलहाल। दोस्तों शिवपुरी हम पहुंच गए हैं, और बिल्कुल रियल बात आपको बताऊंगा कि लक्ष्मण झूला से लेकर और शिवपुरी के बीच में रोड कहीं भी डैमेज नहीं है, और कहीं भी मलबा भी नहीं गिरा हुआ है। आपको बताया हम बिल्कुल रियल वीडियो बनाते हैं, हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते कि जिससे कि भाई आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिले। तो देख सकते हैं आप शिवपुरी में भी इतनी बरसात होने के बाद भी शिवपुरी तक का रोड ज़बरदस्त है। तो मेरे को उम्मीद नहीं है थी कि भाई इतनी साफ़ रोड मिल जाएगी। मैं गोलू से कह रहा था कि आज हमें गड्ढे भी मिल सकते हैं और लैंडस्लाइड भी मिल सकता है, बीच बीच में ना पड़ा हुआ मलबा भी मिल सकता है, मगर फिलहाल इतनी क्लियर रोड है मुझे उम्मीद ही नहीं थी। तो शिवपुरी हम फिलहाल पहुंच गए, अब इसके बाद आएगा ब्यासी। तो शिवपुरी कर दिया फिलहाल हमने क्रॉस, और रोड हमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास मिला है शिवपुरी तक। अब आगे रोड ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, आगे देखते हैं, आपको आज पूरी जानकारी देंगे। तो
बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह ऐसी आ रही है, ये दूसरी बार ऐसी जगह आई है जहाँ थोड़ा सा मैंने स्लो किया है गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर लगातार पानी का भाव सा चल रहा है धीरे धीरे ना। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि कोई पत्थर आपको सड़क के बीच में गिरा मिलता है छोटा, तो आप कोशिश कीजिएगा उसको साइड करके निकले, ना कि आप अपनी गाड़ी के सेंटर से निकालें उसे, क्योंकि गाड़ी के सेंटर पर कई बार टकराने का डर रहता है। और जब आप मोड़ काटें तो गाड़ी को मिडिल रोड पर रखें, क्योंकि हो सकता है मोड़ पे ही मलबा पड़ा हो, पत्थर पड़े हों, तो आप कोशिश करें गाड़ी को मिडिल रो पे रखें। मोड़ काटने के बाद फिर से आप अपनी लेन में शिफ्ट हो जाएं। अब जैसे हमने मोड़ काट लिया तो मैं अब अपनी लेन में आ गया, अगर जब मैं मोड़ पे आ रहा हूँ तो मैं गाड़ी को ऐसे मिडिल पे कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, लैंडस्लाइड के बाद थोड़ा सा ड्राइविंग स्टाइल चेंज करना पड़ता है, मगर अभी तक हमें कहीं मिला नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि भाई वहाँ पर मलबा गिरा हुआ था, कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाया था, एक अपडेट दिया था केदारनाथ जी का रोड का, तो उसमें हमने बोला था कि ब्यासी तक रोड थोड़ा ख़राब है, मगर आज तो वाकई में शिवपुरी से भी ब्यासी के बीच में रोड ज़बरदस्त है। आप देखिए और सामने नज़ारे देखिए आप, क्या ज़बरदस्त है। तो बहुत ज़बरदस्त रोड है शिवपुरी तक भी, और शिवपुरी के बाद भी ब्यासी तक, जबकि लास्ट वीडियो जब बनाया था तब इतना स्मूथ रोड नहीं था। हमने जिक्र भी किया था कि भाई ये ब्यासी तक का रोड स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ करना चाहिए। तो एक साल पहले ये रोड लैंडस्लाइड में बह गया था, और उसके बाद से आप देख सकते हैं लगातार इस टेम्परेली हाईवे से जाना पड़ रहा है। राइट साइड से रोड नीचे चला गया था पूरा, और हम पहुंचने वाले दोस्तों ब्यासी। तो ये अभी का लैंडस्लाइड नहीं है, ये एक साल पहले का है। तो 5:28 में हम लक्ष्मण झूला से चले थे, और 6:03 हो चुके हैं दोस्तों, और हम ब्यासी पहुंच गए। और इतनी जल्दी पहुंचने का जो मुख्य कारण है वो ये है भैया कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, जीरो ट्रैफिक है। देखिए आप, दुकानें भी इस समय ऑफ ही हैं, तो ट्रैफिक बिल्कुल जीरो है। हम इतनी देर चल रहे हैं, हमने सिर्फ एक टेम्पो ट्रैवलर और एक मैक्स को ओवरटेक किया है, बाकी आगे कोई गाड़ी नहीं है। जबकि हम जब अप्रैल में हमने ब्लॉग बनाया था तब भी हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला था, मगर आज ट्रैफिक ना के बराबर है। तो ब्यासी भी कर दिया दोस्तों हमने क्रॉस, अब बढ़ रहे हैं आगे। तो ब्यासी के बाद पहला पॉइंट यहाँ पे हल्का सा ये रोड ख़राब है, मगर ट्रैफिक स्लो नहीं होगा क्योंकि दो गाड़ी निकल सकती है एक बार में ना। सारा फोगी फोगी हो रहा है, बादल नीचे आ रखे हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम गुजर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध तोता घाटी से, और आप देख सकते हैं हल्की हल्की बजरी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो ऑल वेदर रोड इतना चौड़ा है, अगर ये टूटे ना और लैंडस्लाइड भी हो जाए तो ब्लॉक नहीं होता रोड जल्दी से। जहाँ तक ऑल वेदर रोड है वहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे की जो अपडेट है दोस्तों वो ये है कि कल 25 तारीख को भी वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, और 8 घंटे हाईवे बंद रहा है। उससे पहले भी एक दिन नाइट में बंद रहा है, तो बरसात रुक चुकी है, उसके बावजूद भी बद्रीनाथ हाईवे आपका चमोली से लेकर जोशीमठ के बीच में बार बार ब्रेक हो रहा है। तो ये समस्या बनी हुई है, दिक्कत कोई नहीं आ रही, बस ये है कि अगर आप 2 दिन का प्रोग्राम बना के जा रहे हैं तो 3 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको दिमाग में
बैठाना पड़ेगा। फिलहाल बरसात बंद हो चुकी है तो दिक्कत कम ही आएगी आपको ना। तो तोता घाटी पे फिलहाल हम चल रहे हैं। तो ये पौराणिक मंदिर छोटा सा तोतराम उनियाल जी के नाम पे बताया जाता है इसे। तो पूरे रास्ते में एक तोता घाटी ही ऐसी है जहाँ पे आपको बोर्ड मिलेंगे कि भैया यहाँ पे पत्थर गिरने का भय है। और देखिए रोड खाली है तो मैं दूसरी साइड चल रहा हूँ, वरना मैं अपनी साइड चलता हूँ क्योंकि अपनी वाली साइड पर गिरे हुए पत्थर मुझे सामने तक का क्लियर दिख रहा है, इसलिए मैं दूसरी लाइन पर चल रहा हूँ। ट्रैफिक नहीं है, रास्ते क्लियर हैं, गाड़ी बढ़िया खिंच रही है। एक घंटा हो गया दोस्तों, मैं अभी हम देवप्रयाग नहीं पहुँचे। देवप्रयाग की दूरी अभी भी यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के बीच में है। तीन धारा दोस्तों हम पहुंच गए हैं। तीन धारा देखिए यहाँ भी बिल्कुल भीड़ नहीं है, ना के बराबर भीड़ है, ना गाड़ियाँ ना भीड़। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो यही है कि भैया आप लोगों को सही जानकारी मिल सके हाईवे की, क्योंकि वीडियोस तो बहुत है कि यहाँ ये हो गया तबाही तो हुई, दुनिया भर के नेगेटिव वीडियो ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है, हो भी रहा है मगर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रखी है और एक भी पॉजिटिव वीडियो नहीं है। तो ये वीडियो जो है ना, ये आपको रियल जो उस समय हाईवे की कंडीशन है वो दिखाएगी। हम आपको पूरा प्रॉपर दिखाएंगे। और अभी सच कहूँ तो देवप्रयाग आने वाला है और हाईवे बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि अप्रैल से अच्छी कंडीशन में है। ये देखिए लेफ्ट साइड में लैंडस्लाइड हो रहा है तो उन्होंने जाली लगा दी है, बारीक बारीक पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। तो पहले से अच्छी कंडीशन में ही है, बस ये प्रॉब्लम है कि भैया केदारनाथ जी में अभी यात्रा पैदल बंद है। तो लक्ष्मण झूला से 1 घंटा 21 मिनट में हम पहुंच गए हैं दोस्तों देवप्रयाग। और रास्ते की बात तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि भैया इतना स्मूथ रास्ता है कि 70 किलोमीटर की दूरी होगी, 65 से 70, और हमने बड़े आराम से 1 घंटा 21 मिनट में कवर कर ली। मौसम खुला हुआ है, ट्रैफिक ना के बराबर है, ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से अप्रैल में ही वीडियो बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए। और इससे ये भी पता चल रहा है कि केदारनाथ यात्रा जो है वो बहुत बड़ा पार्ट प्लेयर करती है आपका चार धाम यात्रा में। आप देखिए केदारनाथ जी की यात्रा जब से बंद हुई है ट्रैफिक ही नहीं है ना के बराबर। तो राइट साइड में घाट है हमारे और राइट साइड से हम पौड़ी भी जा सकते हैं। तो देवप्रयाग फिलहाल पहुंच गए, अब बढ़ रहे हैं आगे, सीधे खाड़ी चले जाएंगे दोस्तों और यहाँ से हम राइट हो जाएंगे आपका सोनप्रयाग के लिए। तैंतीस किलोमीटर दूरी रह गई है आपकी यहाँ से श्रीनगर की और 63 किलोमीटर रह गई है रुद्रप्रयाग की। और अब जो ये हाईवे है ये बेस्ट हाईवे है, ये 33 किलोमीटर की जो ये बेल्ट है देवप्रयाग श्रीनगर हाईवे, ये बेस्ट है बिल्कुल ना। टूटा फूटा भी नहीं होता ज़्यादा और लैंडस्लाइड भी होता है इसमें तो जल्दी क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं है इस पर पहाड़ नहीं गिरता, पहाड़ इस पर भी गिर जाता है मगर ये जल्दी से ब्रेक नहीं होता, बहुत कम हमने तो कभी देखा नहीं। और ये हो रखा है एक मेजर एक्सीडेंट, ट्रक में घुसी है गाड़ी, है गाड़ी कौन सी बोली इग्निस। तो संभल के चले और आराम से चले भैया। जब से हम लोग ऋषिकेश से चले हैं हेमकुंड साहिब से आने वाले यात्री मुझे बहुत दिखे हैं,
और जाने वाली भी अभी पीछे दो गाड़ी दिखी, एक इनोवा थी और एक लोकल की कहीं। अब हमें पता करे चला कि भाई हेमकुंड साहिब जा रहे हैं, उन्होंने आगे झंडा लगा रखा था गुरुद्वारे का। दोस्तों 7:30 हो चुके हैं और 5:28 पे हम चले थे, 2 घंटा 2 मिनट लगाए हैं और हम श्रीनगर पहुंच गए। और रोड का सारांश अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरी लास्ट वाली जो वीडियो उठा के देखेंगे ना, उससे बेटर है रोड श्रीनगर तक। मैं अभी श्रीनगर तक की बात कर रहा हूं, आगे का मैं हाल आपको आगे बताऊँगा। तो श्रीनगर तक रोड जो है पिछले साल के मुकाबले, पिछली वीडियो के मुकाबले ज़्यादा बेटर है, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा इतनी बरसात हुई है उत्तराखंड में तो रोड ख़राब मिलेगी, तो ये रियलिटी है दोस्तों मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। श्रीनगर हम पहुँच गए हैं और रोड फर्स्ट क्लास मिला है, 2 घंटे 2 मिनट। तो देखिए कितनी आसानी से हम पहुँच गए। उसका कारण जो है वो ये भी है कि यात्रा ना के बराबर चल रही है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, ना सामने से आने वाली गाड़ियों का ना जाने वालियों का, जिस वजह से हमें समय लगा कम। तो श्रीनगर शहर क्रॉस करके मिलते हैं आपको। तो श्रीनगर दोस्तों हमने कर दिया क्रॉस और हमें श्रीनगर को क्रॉस करने में 8 मिनट लग गए मॉर्निंग में। ट्रैफिक 0 है, गाड़ियां ना के बराबर, आप भी देख सकते हैं 7:39 का हो गया टाइम। तो दोस्तों ऋषिकेश से लेकर श्रीनगर तक का तो हाईवे आप लोगों ने देख ही लिया। अब मेन जो पैच है वो है श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है रोड का कहीं जगह काम। तो ये देखने वाली बात होगी कि भैया क्या स्थिति है फिलहाल ऋषिकेश रुद्रप्रयाग हाईवे की। श्रीनगर तक तो हमने देख ही लिया, बेटर है। अब रुद्रप्रयाग देखना रह गया हम लोगों के लिए कि रुद्रप्रयाग की क्या स्थिति है। तो 16 किलोमीटर दूरी रह गई है रुद्रप्रयाग की और हम पहुंच गए माँ धारी देवी के मंदिर। और इतना बढ़िया रोड हो रखा है ना, मस्त बिल्कुल। अगर हैवी ट्रैफिक भी चलेगा तब भी आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा माँ धारी देवी के मंदिर तक। यहाँ से नीचे चले जाएँ तो हम चले जाएँगे माँ धारी देवी टेम्पल। जय माता दी। अभी तक रोड बढ़िया है, मुझे कहीं भी कोई ऐसा इशू नहीं लगा जो मैं आप लोगों को बताऊँ। आराम से हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भैया अब तो यात्रा की जो पर्ची वगैरह चेक करते थे वो लोग भी नहीं है, जो चेक पोस्ट वगैरह बनी हुई थी वो भी नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने अभी नोटिस करी। तो ये वाला पुल तो दोस्तों बन के हो गया तैयार, कितनी बार हमने अपनी वीडियोस में दिखाया इसे। और ये हो गया बन के तैयार पूरी तरीके से। किस चीज़ का पुल है, मतलब अभी इसमें रोड नहीं बिछी मगर इसका आपस में इसको जॉइंट कर दिया गया है। और रुद्रप्रयाग रह गया यहाँ से 13 किलोमीटर और अभी तक मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि रुद्रप्रयाग तक का रोड ख़राब है। पहला पॉइंट माँ धारी देवी मंदिर के बाद और ये है पहले से ही ख़राब, इसकी चौड़ाई पहले से ही कम है।
और ये है सिरो बगड़ चेक पोस्ट, और ये भी बंद है फिलहाल। तो रीज़न ये है कि भैया यात्रा वात्रा तो फिलहाल ना के बराबर ही चल रही है, तो चेक पोस्ट भी ना के बराबर ही रह गए। तो ऋषिकेश से अभी तक एक बार भी गाड़ी कहीं चेक नहीं हुई है। शायद हम जब मुड़ेंगे आपका केदारनाथ जी की तरफ तब शायद चेक हो। जो लोग कहते थे ना कि ऑल वेदर रोड जो है उसकी क्वालिटी बेकार है, उसका ये है वो है, तो ये उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भाई देखो, इतनी बरसात के बाद हम यहाँ आए हैं और रुद्रप्रयाग हम पहुँचने वाले हैं, 5-7 किलोमीटर बचा है। जो पॉइंट पहले से ख़राब थे कटाव के कारण, उनको छोड़ कर देखिए रोड की क्वालिटी, देखिए आप कितनी अच्छी मेंटेन हो रखी है। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है कि भाई कहना आसान है मगर जब रिज़ल्ट आता है ना 3-4 साल बाद तब पता चलता है, और अब देखिए रिज़ल्ट आ रहा है। इतनी बरसात के बाद भी हमने सोचा था पता नहीं कितनी जगह से रास्ता टूट गया होगा, मगर देखिए रास्ता कितना बढ़िया है। तो हर साल जो ये लैंडस्लाइड की घटना है ये कम होती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि पहाड़ जमते जा रहे हैं, क्योंकि कटाव जो पहले रोड चौड़ीकरण में पहाड़ों को काटा गया था ना, वो बार बार खिसक रहे थे वहाँ से, और अब वहाँ पर घास वगैरह उगनी शुरू हो गई है, इसलिए वो पहाड़ अब मजबूत हो गए हैं। और आप देख लीजिए ऋषिकेश से हम यहाँ तक आ रहे हैं, और इतनी बारिश के बाद भी रोड कहीं भी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है, और ना के बराबर डैमेज है, 95% रोड सही है। 5% भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले से ही इन पे काम चल रहा है। जैसे माँ धारी देवी के बाद पड़ा एक पॉइंट और एक पड़ेगा वहाँ के जहाँ रेलवे टनल का काम चल रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट है आपका माँ धारी देवी मंदिर के बाद। अभी आपने देखा था ना, बताया था रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल गिर गया, तो वो ये वाला पुल था और उसके पल्ली साइड वाला हिस्सा गिर गया, तो रोड को यहाँ से लेफ्ट में शिफ्ट किया जा रहा था, मगर वो वाला जो साइड है ना पल्ली साइड वाली वो पूरी डैमेज हो गई। तो सामने से यहाँ पे शिफ्ट होना था, देखिए उधर का हिस्सा बिल्कुल ठीक है और इधर का हिस्सा टूट के गिर गया नीचे, ये टूटा पड़ा आप देखिए। तो इसमें बरसात का कोई हाल नहीं था, इसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम था जिस वजह से ये पूरा टूटा। तो 6-7 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है अब रुद्रप्रयाग की। तो फर्स्ट क्लास हाईवे है, रुद्रप्रयाग रह गया 6 किलोमीटर और हम पहुंचने वाले हैं, 8:09 का टाइम हो गया है फिलहाल और हम रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं। तो ऋषिकेश से दोस्तों 2:43 में हम बड़े आराम से रुद्रप्रयाग इस कट पे आ गए हैं, आप खुद देखिए। और रोड की कंडीशन भाई साहब एक्सीलेंट है, मतलब हमें आज लग रहा था कि रुद्रप्रयाग तक हमें कई जगह लैंडस्लाइड मिलेगा, मगर कुछ भी नहीं मिला है हमें फिलहाल, बिल्कुल क्लियर रोड, कोई दिक्कत नहीं। तो ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक कोई भी दिक्कत नहीं है फिलहाल। मैं आपको बता दूं, हम यहीं से दोनों रास्ते डाइवर्ट होते हैं, केदारनाथ जी का अलग और बद्रीनाथ जी का अलग, तो दोनों ही तरफ के यात्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये कि रुद्रप्रयाग तक। अब बरसात भी जा चुकी है दोस्तों, हम नामक के बराबर बरसात रह गई है, होगी तो एक आध दिन और होने वाली है बस, चाहे ज़्यादा। तो रुद्रप्रयाग तक रोड बिल्कुल क्लियर है। अब मेन जो है वो रुद्रप्रयाग से लेकर और आपका सोनप्रयाग के बीच में है, देखते हैं कहाँ क्या स्थिति है। और जो हम सोच रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा हुआ और यही रियलिटी है जो हमने आप लोगों को दिखाई। और हम रुद्रप्रयाग क्रॉस कर रहे हैं, बाईपास से जा रहे हैं हम सोनप्रयाग के लिए, तो वो भी दिखाते हैं आगे क्या स्थिति है फिलहाल रोड की। हम आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं फिलहाल, तो पहले भाग को मैं अपने अब यहीं ख़त्म करूँगा रुद्रप्रयाग तक। और उसका रीज़न ये है कि जिन भाइयों को बद्रीनाथ जी जाना है उनको भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैं दोबारा से रुद्रप्रयाग तक कवर नहीं करूँगा अगर मैं बद्रीनाथ जी कवर करूँगा तो। रुद्रप्रयाग तक मैंने आपको दिखा दिया, अब यहाँ से हम सोनप्रयाग की तरफ जा रहे हैं। अगले भाग में हम रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक का हाईवे आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे, तो सेकंड ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों को। फिलहाल है हम रुद्रप्रयाग बाईपास।
तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा पहला भाग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, रुद्रप्रयाग तक रोड क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद दोस्तों। ओह हो ओह हो, ये वाला रूट बंद कर दिया दोस्तों, ये वाला रूट बंद कर दिया। तो ये पुल आ गया दोस्तों, इसको क्रॉस करके हम राइट जाएंगे और फिर गुप्त काली से जस्ट पहले हम इस रूट से निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों गुप्त काशी तो हम पहुंच गए। तो इस बार उल्टा ही हो गया, पैदल मार्ग बिल्कुल ख़राब हो चुका है और वाहन का मार्ग जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हिस्से का रोड जो है वो बैठा हुआ बढ़िया करके, और ये आपका नारायण कोटी से 4-5 किलोमीटर बाद पड़ा है। तो भैया यहाँ से हम चढ़ गए ऊपर, अब हेली सुविधा के लिए। तो हम हैं दोस्तों फाटा वाले हेलीपैड पे और गोलू गया वहाँ पता करने के लिए। तो थर्ड नंबर के हेलीपैड पे हम हैं और ये यहाँ का नज़ारा, और रोड की कंडीशन बिल्कुल एक्सेलेंट है।